हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रुचि मैजिक किचन। आज मैं आपको खसखस के दाने, बादाम, नारियल और गेहूं के आटे का इतना स्वादिष्ट हलवा बनाना सिखाऊंगी कि इसे खा के आप बोल उठेंगे वाह, ये एकदम यूनिक रेसिपी है। आइए सीखते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच 2 टेबलस्पून घी लिया है और गर्म किया है और इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच गेहूँ के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इस गेहूँ के आटे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। लगातार चलाते रहें इसे। ये देखिए, हमारा गेहूं का आटा बहुत अच्छे से भुना जा रहा है। आइए तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर में मैंने 10 से 15 बादाम लिए हैं और ये मैं यहाँ पर घिसा हुआ नारियल ले रही हूँ। ये मैंने गोला इस्तेमाल किया है, यानी सूखा नारियल का गोला। आप चाहें तो गीला नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में हम आटे को भी एक बार हिला लेंगे और इसे वापस गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देते हैं। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच खसखस के दाने का प्रयोग कर रही हूँ। ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है बादाम, नारियल और खसखस के दाने और यहाँ पर मैं लगभग 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो हमारा चाय पीने वाला कप होता है, वही कप जितना मैंने दूध डाला है इसमें। अब इसको हम बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि पेस्ट कैसा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, कुछ 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको ग्राइंड किया है रोक रोक कर और ये देखिए पेस्ट एकदम अच्छे से बन के तैयार है और इधर हमारा आटा भी एकदम गोल्डन ब्राउन भूनकर तैयार हो गया है। अब जो ये आटा भून के तैयार हुआ है, इसके अंदर हम लोग ये जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था इसको मिलाएंगे। घी का इस्तेमाल इस हलवे के अंदर कम इसलिए किया जाता है क्योंकि बादाम और नारियल जो होता है वो दोनों ही अपना ऑयल छोड़ते हैं, इसलिए घी का इस्तेमाल इसके अंदर कम किया जाता है जितना कि हमें आटा भूनने में किया जाना चाहिए। इस पेस्ट को इसके अंदर मिलाकर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम 5 से 6 मिनट तक इसको भूनेंगे, जब तक कि हमारा ये पेस्ट जो है वो ऑयल और घी ना छोड़ते। ये जो बहुत गुणकारी हलवा होता है और इसे अधिकतर सर्दियों में बनाया जाता है, पर आप कभी कभी इसे जब ठंडा मौसम हो हल्का, जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आप ज़रूर इसे अपने घर पर ट्राई करें और झटपट बनके तैयार हो जाता है ये इंस्टेंट खसखस के दानों का हलवा है। यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी दूध लिया है। ये देखिए, हमारा जो घी था वो इसमें से सेपरेट होने लग गया है, देखिए साइड में से, और इसे लगातार चलाते रहें पेस्ट डालने के बाद, क्योंकि ये चिपकता है। अगर आप चाहें तो नॉनस्टिक कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे वापस हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। यह हलवा बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक बार अगर आपने ये हलवा बना के खा लिया तो आप सारे हलवा भूल जाएंगे और सिर्फ इसी तरह का हलवा बनाकर खाएंगे बार बार। आइए, हमारा जो ये पूरा गाढ़ा हो चुका है मिश्रण, अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है। इसे अच्छे से मिलाएंगे और चीनी को पकने देंगे। चीनी अच्छे से जब तक इसके अंदर घुल जाए तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। और देखिए, साइड में से अगर आप कढ़ाई देख रहे हैं तो हमारा जो घी है वो सेपरेट होने लग गया है। ये हलवा हमारा बनकर तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक